प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं आज की सेशंस में IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है रिफाइनरी डिविजन्स में। आपका 21 अक्टूबर को ही ये नोटिस जारी किया गया था। इसमें आपका अप्रेंटिस को लेकर जो है नोटिस आपका जारी किया गया है। अलग अलग रीजन्स में आपका जो है ये नोटिस आपका दिया गया है। तो यहाँ पे अलग अलग आपका पोस्ट के लिए भी या ट्रेड के लिए भी जो है यहाँ पे दिया गया है। तो पहले बात किया जाए कब से कब तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो ये फॉर्म आपका भरा जाएगा 21 अक्टूबर से भरा जा रहा है, मतलब आपका स्टार्ट हो चुका है, और 20 नवंबर तक आप इस फॉर्म को 5 बजे शाम तक भर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम आपका लिया जाएगा, जो कि एग्जाम 3 दिसंबर को जो है लिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको 27 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा, और रिजल्ट जो है 13 दिसंबर को आपको जारी कर दिया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए 1 रुपया भी आपको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है ना, 1 रुपया भी आपको यहाँ पे नहीं लगने वाला है। यहाँ पे एज जो है 18 से 24 साल आपका होना चाहिए। आप अगर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह किए हैं, या केमिकल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया है, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर बात किया जाए तो 1720 सीट जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अलग अलग रीजन्स में, जैसे गुवाहाटी हो गया है ना, बरौनी हो गया, गुजरात हो गया, हल्दिया हो गया, मथुरा हो गया, पानीपत हो गया, डिगवई हो गया है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल प्लांट, डिसिप्लिन केमिकल यहाँ पे आपका दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग, मतलब जो ट्रेनिंग आपका है, कुछ कुछ ट्रेनिंग जो है आपका 2 साल का है, कुछ जो है आपका 1 साल का ट्रेनिंग है। जैसे यहाँ पे टेक्नीशियन का अगर बात किया जाए, तो टेक्नीशियन केमिकल, जिसमें डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल या केमिकल टेक्नोलॉजी या रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आपका है, तो 12 महीने का। वही अगर ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर का बात किया जाए, मैकेनिकल का, तो यहाँ पे 24 महीने का जो है ये आपका है, मतलब 2 साल का आपका ट्रेनिंग यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते, मतलब डिप्लोमा इन सिविल मैकेन, सिविल का नहीं है ना, सिविल का यहाँ पे इस बार जो है नहीं जारी किया गया है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह का जो है यहाँ पे जारी किया गया है। तो कोई मतलब 1 साल से 2 साल के बीच में आपका यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाला है। ओके, तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। और फॉर्म भरने के लिए 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। तो अगर आप डिप्लोमा पास किए हैं तो, और एज भी आपका 24 साल से पहले आ रहा है, तो आप यहाँ पे जो है भर सकते हैं। प्लस जो एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको दिया जाएगा। अगर आपका एज ज्यादा हो गया है तो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी को 3 साल और SC ST को जो है 5 साल जो है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको दिए जाएंगे, जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अनुसार। तो यहाँ पे फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो आपको पता होना चाहिए कि 20 नवंबर जो है इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। ओके, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहाँ पे होंगे, जिसमें डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास हैं वो सारे सही डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। कुछ मेडिकल फिटनेस भी आपको लिया जाएगा, जो कि डेफिनेटली आपको यहाँ पे होने वाला है। प्लस स्टाइपेंड जो है एज पर गवर्नमेंट रूल, यानी अगर बात किया जाए तो डिप्लोमा वालों के लिए लगभग 9,000 से 10,000 के बीच में आपका रहता है। बाकी अलग अलग टाइम टू टाइम कई बार जो है चेंजेस भी होते हैं, तो उसके अनुसार आपको स्टाइपेंड जो है यहाँ पे दिया जाएगा। बट स्टाइपेंड के लिए उससे एक जो डाटा होता है वो नहीं बताया गया कि कितना जो है आपका स्टाइपेंड दिया जाएगा, बट मिनिमम जो है 9 से 10 हज़ार रहता है, तो वो तो आपको यहाँ पे दिया ही जाएगा। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए ये लिंक है, यहाँ पे जाकर जो है आपको वाट्स न्यू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद अप्रेंटिस अंडर रिफाइनरी डिवीजन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद डिटेल एडवर्टीजमेंट पे, फिर क्लिक हेयर टू अप्लाई वाला पे क्लिक करके आपको अपना अप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे भरना होगा। ईमेल आईडी और मोबाइल पे SMS के अनुसार जो है और भी कई सारे अपडेट आपको, जैसे जैसे आपका क्वालिफाई करते जाओगे वैसे वैसे आपको अपडेट दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ कांटेक्ट नंबर है ना, जिससे आप कोई क्वेरी है तो आप ले सकते हो, आपका सारी चीजें जो है यहाँ पे बताया जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि ये अपडेट आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमें चैट बॉक्स मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग तो समझदार हैं ही, आप लोग अपना कमेंट हमें बताइएगा ही कि क्या डाउट्स है आपका। ओके, तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।